अफगानिस्तान, वियतनाम और सीरिया के वॉर ने यह साबित कर दिया है कि कम सोल्जर होने के बावजूद भी कोई भी मिलिट्री फोर्स किसी भी मिलिट्री फोर्स को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन फिर भी किसी भी फोर्स के पास सही मात्रा में डायनामाइट और एडवांस वेपन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंट्री की ताकत का अंदाज़ा उसकी मिलिट्री पावर से लगाया जा सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ अ क्रेजी फैक्ट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देश की सेनाओं के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करेंगे जापान के बारे में। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। जापान की पॉपुलेशन 127 मिलियन से ज़्यादा है। जापान की सेना में 2,47,000 से भी ज़्यादा सोल्जर हैं, और साथ ही साथ जापान में 6,000 टैंक और 2,000 हवाई जहाज इनकी सेना की पूर्ति करते हैं। जापान के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं जो कि हेलीकॉप्टर फैसिलिटी के साथ हैं। जापान की सेना का बजट लगभग 46 से 50 बिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम अपने देश इंडिया के बारे में, जिसको हम हिंदुस्तान और भारत के नाम से भी जानते हैं, या फिर जिसको कुछ सालों पहले तक हम सोने की चिड़िया भी कहते थे। भारत एक समय पे विश्व गुरु भी रहा है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें और जनसंख्या के हिसाब से 2 नंबर पर आता है। भारत की 133 करोड़ की आबादी की रक्षा के लिए भारत में 13 लाख सैनिक हैं, और भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। भारत के पास 80 से 100 न्यूक्लियर वेपन है, जो भारत को एक ताकतवर और एक सहयोगी देश बनाते हैं। भारत का बजट लगभग 46 से 50 बिलियन डॉलर है। यह बजट भारत के 6,000 से ज़्यादा टैंकों और 2,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की पूर्ति करता है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। चाइना अक्सर अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है। चाइना की सीमा इंडिया, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान जैसे लगभग 14 देशों से जुड़ी हुई है। चाइना की सेना में लगभग 20,20,000 सैनिक हैं। चाइना का सैन्य बजट 131 मिलियन डॉलर है। चाइना की सेना में 9,100 टैंक और 2,800 एयरक्राफ्ट हैं। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी फ्लीट भी है, और इस मामले में चाइना सिर्फ अमेरिका से पीछे है। चौथे नंबर पे बात करेंगे रशिया के बारे में। सोवियत यूनियन के पतन होने के बाद रशिया आर्मी फिर से विकास कर रही है। 2008 के बाद से रशिया का बजट लगभग 1/3 बढ़ गया है। रशिया के पास अपनी 142 मिलियन जनसंख्या की रक्षा के लिए 7,46,000 मिलिट्री सैनिक हैं। रशिया की मिलिट्री बजट लगभग 76 से 84 बिलियन डॉलर है। रशिया के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा टैंक हैं, जो कि 15,000 हैं, और इसी के साथ उनके पास 8,400 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। पाँचवें नंबर पर बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में। अमेरिका की पॉपुलेशन लगभग 321 मिलियन है, और उनकी सेना में लगभग 14 लाख सैनिक हैं। यूनाइटेड स्टेट अन्य देशों के मुकाबले अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है, जिसकी वजह से उनकी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की सेना का बजट 610 से 612 बिलियन डॉलर है। अमेरिकी सेना में लगभग 13,000 एयरक्राफ्ट हैं, और इसी के साथ उनके पास 8,000 टैंक भी हैं और 7,500 न्यूक्लियर हथियार भी हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे एक कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। अगर औरों को भी बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज, और घंटा भी दबा दो। ओके बाय।